मुझे पता लगाना होगा वो ऐसे अचानक घर से गायब कैसे हो सकती है। विनायक फोन उठाइए, फोन उठाइए विनायक प्लीज। रंगीली तो आयुष के पास है, फिर उसका फोन कैसे आ सकता है? फोन क्यों नहीं उठा रहे विनायक प्लीज, फोन उठाइए प्लीज। मुझे किसी भी तरह विनायक को रोकना होगा। देख नहीं जा सकती आप? अरे आंखें पेश खाए हैं क्या कमबख्त? एक काम ढंग से नहीं होता। माया चलो मैं तुम्हें आइस लगा देता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दर्वत्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनु हरि। ऐसे प्यारी सी दुल्हन बनके तैयार हो जा, मुहूर्त रहते हम दोनों को शादी करनी है। हाँ तो मैं तुमसे शादी करूंगी और ना ही बाबू के मेहनत से कमाए पैसे तुम्हें लूटने दूंगी। पिंजरे में बंद मैना आसमान को कब्जे में करने के बारे में नहीं सोचती, अब तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। हम आज अभी यही शादी करेंगे वरना मैं विनायक को जान से मार दूंगा। तू सोच कि तुझे मुझसे शादी करना है या विनायक को मरते हुए देखना है। मुझे विनायक पांडे की दौलत किसी भी हालत में चाहिए। पैसों के लिए मैं तुझे सी बदसूरत शादी कर रहा हूँ, पैसे आने दे, उसके बाद मैं तुझे भगवान के पास भी पहुंचा दूंगा। ये लो जी, हवन की तैयारी तो हो गई। विनायक फोन नहीं उठा रहे, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हे कान्हा जी मदद कीजिए मेरी। कैसा लग रहा है तुम्हें, दर्द कुछ कम हुआ? मैं काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, शायद किसी का इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है। ठीक है। वो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, पहले हम शादी कर लेते हैं ना प्लीज। लेकिन माया। लेकिन क्या विनायक, आप जानते हैं ना हम प्रेग्नेंट हैं, ऐसी हालत में आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? आपको हमसे शादी करनी तो है ना?
विनु, विनु। क्या हुआ दीदी, आप इतना परेशान क्यों लग रही? रंगीली, रंगीली। क्या क्या हुआ रंगीली को? वो रंगीली को आयुष ने अगवा कर लिया है। लेकिन आपको कैसे पता चला दरिया? वो फोन उस पे रखा था, आपने उठाकर सुना। रंगीले, अरे कहाँ हो बिटिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या क्या तू वही करेगी जो मैं चाहूँ? हम आज अभी यहीं शादी करेंगे, वरना मैं विनायक को जान से मार दूंगा। शिव 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 शिव, ये तो आयुष की आवाज है। रंगीले को बचा ले बेटा, एक तू ही है जो उसके प्राणों की रक्षा कर सकता है। मैंने कहा था ना आपको, मुझे ऑलरेडी शक था उसके ऊपर, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई फायदा नहीं, यहां की सारी खिड़कियां बाहर से बंद है। चाकू की नोक पे किसी से शादी करना और चाकू मारने के बाद जख्मी हालत में उसके साथ फेरे लेना, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। अब तू डिसाइड कर कि तुझे ज्यादा क्या पसंद। पर जोड़ा तो तुझे दोनों ही सूरतों में पहनना। अब इससे पहले कि मैं तेरे चेहरे पे आड़ा टेढ़ा डिजाइन बना के उसे और खराब कर दूं, अच्छे बच्चे की तरह ये जोड़ा पहन के आ जा। विनायक कहाँ है? प्लीज हमें बचा लीजिए। हेल्प के लिए थैंक यू कमिश्नर साहब। दिया, रंगीली की फोन की लोकेशन ट्रेस होगी। शिव 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 शिव। कैसे होगा विवाह यहाँ पे? न कोई हवन कुंड है, न मंडप है, न बाकी कोई व्यवस्था है। फिक्र मत करिए, जो लोग किसी की खुशियों में आग लगाने का हुनर रखते हैं उनके लिए हवन कुंड कौन सी बड़ी बात है। अब एक मिनट दीजिए। ये लीजिए, तैयार हो गया आपका हवन कुंड। अब जल्दी से शादी को निपटाइए, समय नहीं है मेरे पास। निर्विघ्न रूप से विवाह को संपन्न कीजिए। आप फेरी लेना शुरू कीजिए, आगे वर चलेंगे पीछे वधु। जी। सुख दुखानी सर्वाणी दाव्यासः विपद्यते। अगले फेरे में वधु आगे चलेगी, वर पीछे। फेरे संपन्न हुए, अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप वधू की मांग सिंदूर से भरिए। लोकेशन तो इसी जगह की दिखा रहा है, क्या लगता है हम सही जगह है? चलो वहां देखते। और इसी के साथ ही आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों सनातनी और वैदिक परंपरा के अनुसार वैवाहिक जीवन पति पत्नी की तरह बिता सकते हैं। आयुष, कमीने धोखेबाज, जीतों में चोर मारे, हिम्मत कैसी हुई तेरी? किडनैप करके जबरदस्ती की गई शादी को शादी समझता है तू? तुझे आज इसी आग में जलाई नहीं ना मैंने तो मेरा नाम भी विनायक नहीं। रंगीली के लिए मुझे हर सजा मंजूर है, क्योंकि शादी तो हो गई
फेरे भी हो गए, सिंदूर भी लगा दिया, और ये देख मेरे नाम का मंगलसूत्र इसके गले में चमक रहा है। अब तू चाहे मुझे मारे या अपना सर पीटे, पति पत्नी का रिश्ता तो जुड़ चुका, और अभी खेल का अगला हिस्सा तो बाकी है। मैं जानता हूं कि तेरी जान बसती है रंगीली में, इसके माथे की एक शिकंज तुझे अंदर से हिला कर रख देती है। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, नहीं तो मैं इसे इतना तड़पाऊंगा कि तू जी नहीं पाएगा। चाहिए क्या तुझे? ज्यादा कुछ नहीं, तेरी जान की जान बचाने की कीमत चाहता हूं मैं। और अगर तू इसे सही सलामत देखना चाहता है, अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी का 50% मुझे देना होगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, तू ये नहीं कर सकता। थ्री टू रंगीली, अगर तुम यहां हो तो घूंघट के नीचे कौन है? रंगीली जबान है कटीली, फंसते नहीं है जाल में, कमी नहीं भौकाल में। क्यों आई इस बाबा? कैसी लगी रंगीली की जानदार शानदार परफॉर्मेंस? उड़ गए ना होश ये नजारा देख के। जिनका दिल साफ नहीं होता रंगीली उनको अपनी खाद की सफाई दिखाती। रंगीली को कमजोर समझ लिए थे बाबू। रंगीली आग है, आग जल के भस्म हो जाता है छूने वाला। हेलो गायत्री, कहाँ है आयुष? मैं आयुष से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आयुष के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो घबराओ मत, रंगीली पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं, आंखों में आंखें डाल के सामना करने वालों में से। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी भी और तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगी। मतलब क्या करने वाली हो तुम? कैसे इंसाफ दिलाओगी मुझे? तुम आयुष बाबू से शादी करना चाहती हो ना, तो मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। बस मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो, और फिर देखो रंगीली का कमाल। मैंने पहले ही गायत्री को फोन कर दिया था, और उसके हाँ कहते मैंने दुल्हन बदल दी, और वो जोड़ा उसे दिया जिसका उस पर पहला हक था। रहेगी जिंदगी भर तुम्हारे नाक में नकेल डाल के, बोलो पाके बिहारी लाल की जय। रंगीली तुझे तो मैं बस कर पे रहा हूं, इतना गुस्सा तेरी सेहत के लिए हानिकारक है। भी अभी शादी हुई तेरी, क्यों गायत्री को विधवा करना चाहता है तू? माफ करना गायत्री, मैंने ही पुलिस को यहाँ बुलाया था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन आयुष बाबू को सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। मैं चाहती हूँ कि अपने गलती से सबक ले
और एक अच्छा पति बनके तुम्हारे साथ रहे। मुझे इसके दो डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप इसके अकल के ताले खुल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। मैं आऊंगा वापस अपना बदला लेने, जल्दी आऊंगा। बाबू रंगीली, कमाल हो गया ना बाबू, कितनी खुशी का दिन है आज, एक साथ दो दो शादियां हो गई, एक गायत्री और आयुष बाबू और एक तुम्हारी और कोरी में। बहुत बहुत बधाई हो बाबू, बहुत बहुत बधाई। मेरी और माया की शादी अभी तक नहीं हुई। हाँ, तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। रंगीली शिव शिव शिव। अरे आ बेटा, यहाँ यहाँ आराम से ध्यान से बेटा। मेरे पापा नहीं लेकर। विनायक भाई ये लीजिए। गौरी मैम, अच्छा कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि वीनू तुम्हारे पास बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया और उस राक्षस आयुष के चंगुल से तुम्हें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। तुम ठीक हो ना बिटिया? हैं? आराम से। पीनू ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया। कान्हा जी की कृपा से हम पर से बहुत बड़ी बला टल गई, वरना हम सबको तो अनुमान ही नहीं हो पाया कि वो नेक और सीधा साधा दिखने वाला आयुष इतना घटिया और नीच इंसान हो सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने दादिया, अब हमें भी बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई और रंगीली हमारे पास घर में वापस भी लौट आई। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस खुशी को और दुगना बढ़ा दिया जाए, वो काम करके जो इस वजह से अधूरा रह गया था। हाय हाय माया रानी, किस अधूरे काम की बात कर रही हो? हाँ, अब क्या तुम ये चाहती हो कि हम इस नौकरानी की आरती उतारेंगे? अरे नहीं नहीं बुआ जी, हम तो अपनी शादी की बात कर रहे हैं। वो हमारी और विनायक की शादी भी तो होनी थी ना। हाँ बिल्कुल। शिव 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 माया, तुम्हारे अक्कल पर क्या पर्दा पड़ गया है? तुम रंगीली की हालत नहीं देख रही हो? इतने बड़े संकट से अपना जीवन बचाकर लौटी है ये लड़की। नहीं नहीं, हमने विचार कर लिया है कि तुम दोनों का विवाह अब नवरात्र के शुभ दिनों में ही होगा। लेकिन दादिया, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, हमने निर्णय कर लिया है, बात समाप्त। अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक और आवश्यक सूचना, कान्हा जी की कृपा से हम पर से बहुत बड़ी बला टल गई है। हम चाहते हैं कि पास के गांव में जो शिव मंदिर है, हम वहां जाकर हमारे घर की शांति के लिए और सुख समृद्धि के लिए हवन और पूजा करवाएंगे। हम स्वयं जाएंगे। सीधा भगवान के पास ही क्यों नहीं चली जाती है बुढ़िया? घर में सुख भी आ जाएगा और शांति भी, पर ना शादी के बाद हमें हर दिन इस बुढ़िया को झेलना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि ये पहले इस वर्ग से धर जाए।
दिया, मैं आपको मंदिर लेके चलूंगा। नहीं बीनू, हम स्वयं जाएंगे बेटा। तुम यहाँ घर पे रहकर रंगीली की देखभाल करो। जी दीदी। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे और अपनी सिद्धि और वीनू का साथ सदा के लिए मांग लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वीनू और सिद्धि एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव 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 शिव। आराम से रहने दो बापू, रंगीली खुद को संभाल सकती। चली जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है ये बुढ़िया हमसे। बेवजह हमारी शादी को टाल दिया। अब तो इन दोनों को और भी वक्त मिल जाएगा तो ये दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। आज अगर सिद्धि को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ओ, ददिया घर पर नहीं है तो सोचा सुबह की आरती मैं ही कर देती हूँ। अब तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? विनायक पांडे, हाय हाय। विनायक पांडे, हाय हाय। विनायक पांडे, हाय हाय। विनायक पांडे, हाय हाय। अरे कौन हो तुम लोग, हाँ? और यहाँ कहाँ चले आ रहे हो हमारे घर में? क्या नौटंकी लगा रखी है ये? ये नौटंकी नहीं, आपके घर के बेटे की करतूत है। तीन तीन औरतों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। तीन तीन औरतें? ये क्या बकवास कर रही है आप लोग? हाँ, ये क्या बदतमीजी है? लगता है आज का न्यूज़पेपर देखा नहीं है आप लोगों ने। देख लो इसे तो आपको सच का पता चल जाएगा। क्या लिखा है, हम भी देखें जरा। क्या लिखा है वो जिसमें? पांडे इंडस्ट्रीज के मालिक विनायक पांडे का चक्कर नौकरानी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन to never miss an update from Nazara.